Assalamu alaikum, everyone. I hope you would be doing great. So here I come up with a new topic of the novel The Return of the Native by Thomas Hardy. And the topic is the art of characterization. So we are going to discuss the art of characterization of Hardy, which he has he characterized his all of the characters in this novel. So we are going to discuss this technique, and we'll see that how and which techniques he has used in this novel. For the description and for the portrayal of his characters. So let's begin with this topic now. As we have discussed this topic already in the class, but here I'm going to again explain it for the students who were absent in the last class. So it will be beneficial for you. So best of luck while you will try to understand this topic. You will always be welcome to ask me any question about it. So the basic aim to upload this lecture is to make this topic understandable for you all. So let's begin here. Hardy, art of characterization. Hardy की जो art of characterization है, जिस art को उसने use किया है, जिस technique को उसने characterization के लिए use किया है, हम वो discuss करेंगे. Hardy is the creator of large number of important figures of literature. Hardy को जो है एक उसने जितने भी literature में अब तक के novels उसके हमने already हमने नहीं बल्कि एक्चुअली उसकी सेंचुरी से लेके अपने एरा से लेके अब तक जितने भी उसके नॉवेल्स हमें पब्लिश होते नज़र आते हैं उसमें जब भी आप देखेंगे उसमें एक बहुत सारी फिगर्स आपको नज़र आएंगी और डिफरेंट और इम्पोर्टेंट फिगर्स आएंगी जिनकी क्रिएशन इसने की हुई है और एक बहुत ही कहें लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फिगर्स लाइक उसने बहुत ही डिफरेंटली और बहुत एक हट के जो है ना उसने एक तरीका यूज़ किया है उनको उनके पोर्ट्रेल के लिए जो है ना तो आप उसके जितने भी नॉवल्स पढ़ेंगे उसमें आपको डिफरेंट पोर्ट्रेल नज़र आएगा कैरेक्टर्स का एक दूसरे से या नॉवल के अंदर या उसने कुछ ना कुछ हर एक नॉवल में उसका एक एम है इंसान के इंसान का दुनिया में उसका फेट उसकी डेस्टिनी उसके चांस कोइंसिडेंसेस ये सारी चीज़ें बेसिकली उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. So he has created large number of characters than any other writer except Shakespeare. यानी कि literature के अंदर जितने उसने character इसने जितने character इसने create किए हैं शायद ही किसी दूसरे novelist ने किए हों या writer ने किए हों except for Shakespeare. Shakespeare एक पहला बंदा था जिसने ऐसा किया और उसके बाद अगर नाम आता है तो Thomas Hardy का आता है. His command over human personality is extensive. उसकी ह्यूमन पर्सनैलिटी पे जो कमांड है एक ग्रिप है कि वो ह्यूमन पर्सनैलिटी को अपने उनकी रियलिटी को प्रेजेंट करने के लिए उसके पास एक ग्रिप थी एक कमांड थी उसके पास उसके थ्रू वो हर एक करेक्टर को उसी रोल के अंदर रखते हुए डिफरेंटली हमें जो है ना पोर्ट्रेट करता हुआ नज़र आता है. हर आप जो भी नॉवल पढ़ेंगे उसमें आपको टेक्निक्स इसकी नज़र आएंगी आपको रियलिटी नज़र आएगी इंसान अपनी किस्मत से लड़ता हुआ और इस तरह के करेक्टर मोस्टली आपको नज़र आएंगे. एंजल क्लेयर क्लाइन योब्राइट गैब्रियल ऑक ये सारे उसके करेक्टर हैं. हैंचर्ड हैंचर्ड जो मैंने आपको बताया था मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज जो हार्डी का नावल है उसके अंदर जो कैस्टर ब्रिज सिटी का मेयर बनता है बाद में उसका एक्चुअली नेम हैंचर्ड होता है. तो ये उसके डिफरेंट नॉवेल्स से नेम्स जो है वो लिए गए हैं. स्टेशिया टेस बादशाह आर ओनली अ फ्यू आउट ऑफ द मैनी इमॉर्टल कैरेक्टर्स ऑफ हार्डी. इनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्टेंस थी उनकी और उन्हीं पे थॉमस हार्डी ने अपने नॉवल उन्हीं कैरेक्टर्स को अपने नॉवल्स के अंदर ऐड किया हुआ है. जैसे बादशाह है बादशाह एक किंगडम जो है थी किंगडम ऑफ इजिप्ट थी आई थिंक तो उसमें ये किंग के प्लेजर के लिए जो है
उसको रखा जाता था, और फिर इस तरह से किंग की जो है ना वो सल्तनत को बचाने के लिए हेल्प आउट करती है उस तरह, लाइक एक रियल एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है जो कि पहले जो हिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो उसको जो है हार्डी ने अपने नॉवल के अंदर ऐड किया। आर ओनली अ फ्यू आउट ऑफ द मेनी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ हार्डी, ये वो सारे कैरेक्टर हैं जो आप पढ़ने के बाद कभी भी भूल नहीं सकते। इनकी एग्जिस्टेंस और इनकी पोर्ट्रेल ऐसी है नॉवल के अंदर कि आप इनको एक दफ़ा पढ़ लिया आपने, आपको कभी भी इनके कैरेक्टर्स भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स शायद ही किसी दूसरे नॉवल ने लिखे हों, नॉवलिस्ट ने लिखे हों। तो इमॉर्टल का मतलब है कि वो चीज़ें या वो कैरेक्टर जो कभी भी फना नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली ये नॉवल्स अभी सालों साल पढ़ाए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आगे भी ये एक सिलसिला चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो इमॉर्टल इस सेंस में है कि कभी भी जो है ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला इस इनको पढ़ने वाला, ठीक है। और इनको कोई अब जो है ऑब्वियसली इनका पोर्ट्रेट हो चुका है, नॉवल पब्लिश भी हो चुके हैं, तो एक इसको ख़त्म करना एक इम्पॉसिबिलिटी है। इट इज़ अ गैलरी ऑफ एवरलास्टिंग डिलाइट, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एवरलास्टिंग डिलाइट जो हमेशा रहने वाली डिलाइट है, रोशनी या प्लेजर है जो आपको हमेशा इस गैलरी में नजर आएगी। ऑलमोस्ट इन ऑल द नॉवल्स एंड ऑल द ड्रामाज द सेंट्रल एक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर, यानी कि जितने भी नॉवल्स हैं जितने भी ड्रामाज हैं हार्डी के, उसमें जो सेंट्रल एक्शन है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर की, यानी कि बेसिक जो मेन कैरेक्टर है प्रोटोगनिस्ट, उनका उनके एक्शन और उनके एक्सप्रेशन जो है वो सेंटर जो है ना उस पर फोकस, मेन फोकस उस पर है। और फिर उसके अराउंड जो स्टोरी घूम रही है, उसके अराउंड जो जितने भी कैरेक्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं और जो एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट है वो उसकी वजह से और उसके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। हार्डी डिवेलप्स द करेक्टर एज द अदर नॉवलिस्ट, अपने करेक्टर को ऐसे ही डिवेल्प करता है, डिवेल्प करना यानी कि करेक्टर आगे ग्रोथ कर रहा है, उसके आगे एक्शंस और रिएक्शंस हमें नज़र आते हैं और उसके थ्रू उसकी क्या पोजीशन होती है उसकी ज़िंदगी में नॉवल के अंदर ये हम देखते हैं। थ्रू द स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस के स्ट्रेस यानी कि जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो कंडीशन कंडीशन और सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके लाइक उसके थ्रू करेक्टर्स डिवेल्प होते हैं हमें नज़र आते हैं। करेक्टर सॉरी हार्डी हैज़ ड्रॉन हिज करेक्टर्स बाई यूजिंग विविड डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस मेटाफर्स एंड कंपेरिजन, उसने अपने करेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ किया है कि उनमें आपको मेटाफर्स भी नज़र आएंगे, कुछ फ्रेजेस ग्लॉसेस भी नज़र आएंगे और कंपेरिजन होता हुआ भी नज़र आएगा, जैसे इस नॉवल के अंदर है कंपेरिजन आपको स्टेशिया का दूसरी फीमेल कैरेक्टर्स के साथ कंपेरिजन नज़र आता है, और क्लाइन यूब्राइट का दूसरे मेल कैरेक्टर्स के साथ आप देख सकते हैं, या डिगोरी वैन के साथ का कैरेक्टर एज कम्पेयर टू द मेल कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल, तो इस तरह के जो कंपेरिजन हैं वो मोस्टली आपको नज़र आएंगे। द वेरी मोमेंट्स वेरी मतलब इम्पोर्टेंट या जो बेसिक मूवमेंट्स एंड जेस्टर्स ऑफ हिज कैरेक्टर्स ऑफन रिवील देयर कैरेक्टर्स, यानी कि नॉवल जो नॉवलिस्ट है वो खुद करेक्टर्स को रिवील नहीं करता, वो करेक्टर्स को पोर्ट्रे इस तरह से करता है कि उनके मूवमेंट्स उनके जेस्चर्स और उनके जितने भी हरकतें और एक्शंस वगैरह हैं उनके थ्रू उनके करेक्टर खुद बहुत रिवील होते हैं अकॉर्डिंग टू द एटमोसफियर और सर्कमस्टांसेस, तो इस तरह से करेक्टर डिवेल्प होता हुआ नजर आता है। हार्डी यूजेज द मेथड ऑफ सेट डिस्क्रिप्शन इन कैरेक्टराइजेशन, मेथड ऑफ सेट डिस्क्रिप्शन यानी कि एक प्रॉपर सेटअप या प्रॉपर सेट है जिसमें डिफरेंट वे में आपको कैरेक्टर्स नजर आएंगे। इट हैज़ बीन यूज विद द रेयर सक्सेस इन द केस ऑफ स्टेशिया इन द टर्न ऑफ द नेटिव, यानी कि सक्सेसफुली यही चीज़ बहुत रेयरली स्टेशिया के कैरेक्टर में ऐड की गई है। अभी हम थोड़ा फर्दर आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन और स्टेशिया के केस में इस तरह से कैसे था क्यों था ये आपको समझ आ जाएगा। अ कंप्लीट चैप्टर इज डिवोटेड टू पोर्ट्रे हर पर्सनैलिटी,
अब देखिए रेयर सक्सेस यानी कि यहाँ पे उसने एक कंप्लीट चैप्टर जो है बुक का वो सिर्फ स्ट्रिशा की पर्सनालिटी पे उसने जो है वो लिखा हुआ है, उसका पोर्ट्रेल है टोटली स्ट्रिशा का। तो जो सेट डिस्क्रिप्शन है इसका मतलब है कि एक सेट किस शक्ल में, ठीक है, किसी का पोर्ट्रे करना, डिपिक्शन करना, प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे स्टेशिया का करेक्टर एक सेट यानी कि एक चैप्टर की शक्ल में इसकी डिस्क्रिप्शन की गई है कि उसको बहुत ही एक्सपेंड करके बताया गया है, उसका पोर्ट्रेट जो है वो डिपिक्ट किया गया है। फर्स्ट देयर इज अ सक्सेशन ऑफ लाइट टच इन द यूजुअल मैनर ऑफ हार्डी। स्टार्ट में थोड़ा सा लाइट टच यानी कि हल्का अब करेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, वो ज़्यादा नहीं। लाइट टच यानी कि थोड़ा थोड़ा जैसे एक चीज स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाते हैं ना, इसी तरह से हार्डी ने इस मैनर में इसको आगे लेके गया कि शुरू शुरू में थोड़ा सा लाइट टच दिया, फिर थोड़ा और इसको डिपिक्शन की फर्दर इसकी इसको रिवील किया बाय द टाइम अकॉर्डिंग टू द एटमोसफियर और सर्कमस्टांसेस और एक्शंस ऑफ दैट करेक्टर। देन फॉलोज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ डिस्क्रिप्शन। और फिर उसने जो है चैप्टर की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करते हुए यानी कि वही एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक डिस्क्रिप्शन देखते हुए उसको आगे लेके जाना। थॉमस हार्डी डज नॉट गिव अस द डिस्क्रिप्शंस एज एन इंफीरियर आर्टिस्ट वुड हैव डन। एक छोटा आर्टिस्ट जिस तरह से डिस्क्रिप्शन देता है इस तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसने बहुत लार्ज नंबर पे जो है ना लार्जली इसको अपने करेक्टर्स को डिपिक्ट किया था, उनकी डिस्क्रिप्शन दी होती है, ना के उन छोटे आर्टिस्ट की तरह। इंस्टेड अ कैटलॉग ऑफ स्टेशिया चार्म्स, स्टेशिया का जो चार्म है उसकी ब्यूटी है उस पे जो उसकी डिपिक्शन है, हार्डे टेल्स अस व्हाट शी सजेस्ट एंड व्हाट शी स्टैंड्स फॉर। उस किस चीज के लिए स्टैंड लेती है और सजेस्ट क्या करती है हमें, उसकी आइडियलाइजेशन क्या है हमें, दोनों चीजें जो है वो नजर आती हैं, ये बताने की कोशिश की है हार्डी ने। यानी कि जो वो नजर आती है और जो वो सजेस्ट करती है, जो उसकी आइडियलाइजेशन है। दस हर हेयर इज नॉट सेट टू बी ब्लैक, उसके बाल ब्लैक नहीं थे, बट दैट अ होल विंटर डज नॉट कंटेन डार्कनेस इनफ टू फॉर्म इट्स शेडोज। यानी कि द होल विंटर डज नॉट कंटेन एनी कंटेन डार्कनेस यानी कि उसके शेडोज को प्रेजेंट करने के लिए वो थोड़ी बहुत उसके जो फीचर्स हैं उसकी डिपिक्शन दी गई है कि उसके बाल ब्लैक नहीं है और एक जैसे विंटर में अ होल विंटर डज नॉट कंटेन डार्कनेस कि उसके शेडोज को एक प्रेजेंट करने के लिए उसको किसी भी सीजन के लिहाज से वो डार्कनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो करेक्टर को उसकी के थ्रू रिवील करता है और उसकी शेडोज उसी के थ्रू, उसकी फॉर्म्स और उसकी अपीयरेंस के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू रिवील करता है। सिमिलरली हर मोशन सजेस्ट द ऐब एंड फ्लो ऑफ द सी। ये एटमॉस्फेरिक जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे वो आ जाती है कि जो फ्लो ऑफ द सी है उसके जो मोशंस हैं, जैसे जिस तरह से उसके फीचर्स बताए गए हैं कि उसके बाल ब्लैक नहीं है और मोशन के साथ उसकी उसकी शेडोज पे मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या इस तरह से। तो इसी तरह से एटमॉस्फेरिक डिपिक्शन है, हर मोशन सजेस्ट द एब यानी कि उसके मोशंस जो हैं वो कह लो कि एक जवाल आना किसी चीज को, ऐप का मतलब है किसी चीज को जवाल आना या कम होना, घट जाना। तो उसके मोशंस हमें जैसे एक फ्लो ऑफ द सी है ना, फ्लो में जब एक चीज आती है ना तो वो समहाउ एक लाइटर वे में आती है। जैसे इसके मोशंस हैं तो इसके मोशंस को स्टार्ट में या जिसका जिस चैप्टर में इसको डिपिक्ट किया गया है उसमें इसको बहुत ही स्लोली बताया गया है, मतलब चैप्टर में आप ये देखेंगे कि उस चैप्टर के अंदर पूरी डिपिक्शन नहीं है। स्टेशिया के बारे में डिस्कशन जरूर है, डिस्क्रिप्शन जरूर है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो किस टाइप का करेक्टर है। वो बाय द टाइम रिवील होती है तो उसके मोशन यहाँ पे स्लो है यानी कि मतलब स्लोली स्लोली इसको लेके जाया जा रहा है। इन फ्लो ऑफ द सी
और जो एटमॉस्फेयर है उसके उसके साथ साथ डिपिक्शन है एंड हर वॉइस द वॉयला, ठीक है. क्लाइम यूब्राइट टू इन दिस नॉवल हैज बीन गिवन अ लेंथी एंड सेट ट्रीटमेंट, यानी कि इसी की इसकी जो ट्रीटमेंट है और डिस्क्रिप्शन है वो भी इसी तरह से बहुत लेंथी और एक बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया इसको. सॉरी, हाउ डू रियली डिस्क्राइब अ करेक्टर एज अ फोटोग्राफर, एक वो अपने करेक्टर्स को बहुत ही कम ऐसा आपको फील होगा कि वो एक फोटोग्राफी की तरह जो है वो उनको प्रेजेंट कर रहा है. बट लाइक वन हु राइजेज अबव द फिजिकल एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द माइंड, यानी कि इसने अपने करेक्टर्स को फोटोग्राफर की तरह बहुत ही कम किया है, डिपिक किया है, बल्कि ऐसा डिपिक किया है कि जो इंसान उसको जैसे कोई फिजिकल अपेयरेंस को जो है राइज करता है, उसकी फिजिकल अपेयरेंस से लेके शुरू करता है और एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द माइंड, और माइंड जो रीडर्स हैं वो उस इंसान के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एंड सोल ऑफ द पर्सन अंडर स्टडी, और इस तरह से फिर उसके अंडर द स्टडी यानी कि उसकी रूह तक को भी समझ पाते हैं कि एक्चुअली इस करेक्टर की नेचर क्या है और इसकी डिपिक्शन कैसे की हुई है, की गई है, और नॉवल के अंदर इसकी क्या इसका क्या रोल है, क्या परफॉर्मेंस है. तो ये इस तरह से इसकी डिपिक्शन है कि आप फिजिकल से लेके आप फिर उसका माइंड रीड करते हैं, फिर उसकी सोल ऑफ द हार्ट और डीप स्टडी के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं. लाइक फोटोग्राफर की तरह नहीं है कि हर एक चीज को जो है वो सामने सामने डिपिक कर दिया गया हो या साइन दे रहे होंगे या हिंट दे रही होंगी कि आप उसमें से आप ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह से नहीं है. बाय द टाइम एक चीज चलती है और फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं करेक्टर्स को. थॉमस हार्डीज करेक्टर्स आर रियल इन लाइफ, लाइक ये जितने भी करेक्टर्स हैं ये रियलिस्टिक करेक्टर्स हैं, एक्चुअली लाइफ में जिस तरह से होते हैं वैसे हैं. दे आर लाइक ऑर्डनरी ह्यूमन बींग सब्जेक्ट टू ऑर्डनरी जॉयस, यानी कि इसी तरह से कॉमन पर्सन है, सारे कॉमन मैन है की तरह हैं, आम ह्यूमन बींग्स जिस तरह से होते हैं इस तरह से हैं, जिनके लिए मतलब हैप्पीनेस सॉरो और इस तरह के जो कॉमन पैशंस हैं इमोशंस हैं ये हर इंसान के जिंदगी में आते रहते हैं, खुशी के, गम के, सैडनेस के. इसी तरह से इनकी ज़िंदगी में भी कॉमन मैन की तरह, ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स की तरह, इनकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही ऑर्डनरी जॉय, सॉरोस ऑफ लाइफ एंड कॉमन ह्यूमन पैशंस, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं. इट डज नॉट हैव इधर एंजल्स और गॉड्स, इसके नॉवल के अंदर आपको एंजल्स और गॉड्स बहुत कम नज़र आएंगे. These characters are gems, but they are flawed. ठीक है, they are all of the earth, यानी कि वैसे ही है जैसे जमीन पर बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक्चुअली इंसान होते हैं लोग से. और जेम्स का मतलब है कि कोई कीमती चीज जो होती है ना उसको कहते हैं. हिज करेक्टर्स आर जेम्स, यानी कि उसके करेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं. या कोई छोटा आर्टिस्ट जो है ऐसा के करेक्टर्स नहीं कर सकता. और बट दे आर फ्लॉड, यानी कि उनमें कोई ना कोई जो है फॉल्ट पाया जाता है, कोई ना कोई कमी हामी आपको नजर आएगी. दे आर ऑल ऑफ द अर्थ एज डेविड सेसिल सेज. डेविड सेसिल का ऑलरेडी एक दो नॉवल में पहले भी मैंने आपको कमेंट का रेफरेंस जो है दिया हुआ है, इन क्रिटिक्स को याद रखा करें. तो यहाँ पे भी उसका अगेन रेफरेंस आ गया, एज अ क्रिटिक उसने कमेंट किया है कि द फैक्ट इज ही कैन नॉट सिंपली पेंट एट फुल लेंथ ऑडियंस पीपल, इन लोगों की जो है सिंपली पेंट नहीं कर सकता इनको थॉमस हार्डी. ऑडियंस इंप्लाइज मीननेस, यानी कि इन लोगों की जो मीननेस है वो सिंपली पेंट की तरह डिपिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है. वो एक पेंट होता है, पेंट देख के पता चल जाता है पेंटिंग कैसी आई है वो है, लेकिन इस तरह से नहीं है वो. उनकी मीननेस उनके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और इवेंट्स जो नॉवल के अंदर होते हैं और दूसरे नॉवल दूसरे कैरेक्टर्स के जो एक्शन और रिएक्शंस हैं इनके साथ आपस में, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है या इवेंट्स होते हैं फिर, या जो भी नॉवल के अंदर कोई भी एक्शन और रिएक्शंस इनके होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, उसके थ्रू इनकी मीननेस इनकी इनके करेक्टर्स हमें रिवील होते हैं, नजर आते हैं कौन कहाँ पे कैसा निकलता है, ये हमें वक्त के साथ पता चलता है. तो पेंट की तरह इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं करता है ये. एंड मीन पीपल नीदर फील डीपली नॉर आर अवेयर ऑफ एनी इशू लॉन्गर लार्जर, सो
यानी कि ऐसे ऐसे लोगों की डिपिक्शन सिंपली वो नहीं करता, नीदर फील डीपली, जो कि बहुत ज़्यादा डीपली फील नहीं करते हैं हम उनको पढ़ते हुए, नॉर आर अवेयर ऑफ एनी इशू लॉन्गर लार्जर सॉरी देन दोज इन्वॉल्व इन द ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर ओन सेल्फिश डिज़ायर्स. अपने सेल्फिश डिज़ायर में वो इन्वॉल्व होके जो भी कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि यानी कि इशू उनके साथ क्या है, उनको अपना इशू ही उससे अवेयरनेस नहीं होती उनकी. तो हमें करेक्टर्स इस तरह से नजर आएंगे, यानी कि वो अपने आप में कन्फ्यूज होते हुए नजर आते हैं, जिनको पढ़ के हम खुद सस्पेंस और कन्फ्यूजन में जो है वो खुद को फील करते हैं. तो यस, हार्डनेस सिंपली कैन नॉट गेट इन टू द हार्ट ऑफ सच पीपल. ठीक है, ऐसे लोगों के जितने भी इसके करेक्टर हैं नावल के अंदर, जितने भी लोग हैं उनके आप कह लें कि दिल के दिल में क्या है, आसानी से उस पर आप नहीं पहुँच सकते हैं. ठीक है, इट डज़ नॉट मीन डेट ऑल सक्सेसफुल क्रिएटर्स आर विचुअल्स. यानी कि जितने भी अब तक उसने अपने जितने भी नॉवल्स हैं उसमें जो जो डिपिक्शन की हुई है अपने करेक्टर्स की, ऐसा नहीं कहा जाता कि वो बहुत ही डेट ऑल ही सक्सेसफुल क्रिएटर्स आर विचुअल्स. यानी कि हर जितने भी उसके सक्सेसफुल करेक्टर हैं वो अपने आप में गुडनेस है, उनकी अच्छाई है. ठीक है, उनकी मॉरल वैल्यूज, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उनकी मॉरल वैल्यूज दिखाई गई हूँ, वो सक्सेसफुल इस तरह से भी है क्योंकि वो रियलिस्टिक करेक्टर की तरह से डिपिक्शन उनकी हुई हुई है. ये उनमें अगर अच्छाई है तो उनमें बुराई भी है, उनके फ्लॉ भी हैं, अगर उनके रूज है तो उनका जवाब भी है. तो इस तरह से इस वजह से सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ गुडनेस हो उनमें. हैंचर्ड एंड स्टेशिया कमिट सिंस. हैंचर्ड वही जिसने अपनी बेटी और बीवी को मेले में बेच दिया था मेरा कैस्ट्रमिज नॉवल के अंदर. एनेस्थीसिया कमिट सिंस, ये गुनाह करते हैं बट दे डू सो इन द ग्रैंड मैनर. यानी कि इसको कहते हैं ना एक चीज़ सीना तान करना, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली और डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करते हैं दोनों. दिस ग्रैंड मैनर इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओवर मास्टरिंग पैशन. ओवर मास्टरिंग यानी कि बहुत ही एक्सपर्टली, और जैसे किसी चीज़ का डर ना हो और आप कॉन्फिडेंटली एक फैसला लेते हैं और करते हैं. तो इस मैनर में जो है ना दोनों ने ये फैसला लिया था और कमिट किया था, ये सिर्फ कमिट किया था दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में. नॉट द कैलकुलेटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्फिश लस्ट. मोर ओवर दे नो द दे आर डूइंग रॉन्ग. उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं. दे आर टोन विथ कॉन्साइंस. ठीक है, दे आर टोन विद कंसाइंस देयरफॉर वी डू नॉट डिसलाइक देम. यानी कि हम उन्हें डिसलाइक नहीं करते क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उन्हें पता है कि वो गलत है, और फिर वो कन्फ्यूज भी है कि वो ठीक करें ये गलत है. ठीक है, तो हार्डेस्ट कैरेक्टर्स आर लाइफ लाइक रियलिस्टिक. दे आर कंपाउंड ऑफ गुड एंड ईवल लाइक रियल ह्यूमन बींग्स. रियल ह्यूमन बींग्स की तरह वो उनमें गुड और ईवल दोनों पाए जाते हैं, मिक्सचर है दोनों का. यहाँ पे कंसाइंस का मतलब ये है कि एक इंसान की जो मॉरल सेंस होती है राइट और रॉन्ग में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो उनकी कह लो कि इट हैज़ लाइक पार्टेड इन सम पार्ट्स, लाइक टुकड़ों में बट जाना. दे आर टोन विद कंसाइंस. टोन होता है कि पीसीज टुकड़ों में बट जाना, टुकड़े का देना किसके. तो उनकी जो मॉरल सेंस थी राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने की, वो कह लें कि उसमें वो कंफ्यूज थे, वो कहीं टूटी
टूट चुकी थी। हालांकि उन्हें ये पता था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे सही कर रहे हैं कहाँ पे गलत कर रहे हैं यहाँ पे वो कंफ्यूज थे। तो ये उनकी जो है वो डिपिक्शन थी। अब हम आगे फर्दर इसका रेफरेंस भी देखेंगे विद इन दिस नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। दे आर विदाउट ग्रॉसनेस। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे उसके आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है कि आपको इस आर्ट के थ्रू जो है हार्डी ने अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया है, और आपको यही चीज़ नॉवल के अंदर हर करेक्टर में, मोस्टली करेक्टर में यही चीज़ें आपको डिपिक्शन होती हुई इनकी नज़र आएगी। दैट इज़ वाई दे आर आइडियलाइज। सम ऑफ हार्डीज कैरेक्टर्स आर मेयर टाइप्स सच एज क्लेयर एंड जॉसलिन पैस्टन, एंड दैट्स वाई देयर अपील इज़ लिमिटेड। ये क्लेयर और जो जॉसलिन पैस्टन हैं, ये भी इसके कैरेक्टर्स हैं दूसरे नॉवल्स से। तो यानी कि इन कैरेक्टर्स को लाइक सम ऑफ हार्डीज कैरेक्टर्स आर मेयर टाइप्स, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही किस सेंस में कहा जा सकते हैं इसको, अनमिक्स्ड हों, जो प्योर होते हैं। ठीक है, मेयर कहते हैं किस चीज़ को, कोई प्योर चीज़ होती है, मतलब कोई किसी में कोई आपको मिक्सचर नहीं नज़र आता। अगर एक तरफ हिपोक्रेसी है तो दूसरी तरफ उनका कोई दूसरा रूप होगा, या एक तरफ सच है तो एक तरफ आपको झूठ नज़र आएगा। इस तरह से नहीं है, जो हैं वो सामने हैं और अंदर से भी वो वही है। तो इस तरह के करेक्टर जो है आपको नज़र आएंगे, एंड डेट इज़ वाई देयर अपील इज लिमिटेड। उस तरह से वो अपील भी काम करते हैं कि हम मतलब अपने अपने आप को वो सेल्फ सेंटर्ड वाला जन्म सीन नहीं होता उनके साथ। बट हार्डेज ग्रेटेस्ट करेक्टर्स आर नीदर टाइप्स नॉर इंडिविजुअल्स। करेक्टर्स मोस्टली उनमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक करेक्टर के अंदर बहुत सारी टाइप्स पाई जाती हूँ, या फिर बहुत ही इंडिविजुअल हूँ, मतलब बहुत ही डिफरेंट हूँ किसी से। डिफरेंट भी नहीं है, और उनमें कई तरह की टाइप्स भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, बस ये है कि अच्छाई और बुराई वाले एलिमेंट्स डाले गए हैं और रियलिस्टिक करेक्टर्स हैं। दे आर यूनिवर्सल्स। एक दुनियावी तौर पे जो होते हैं ना करेक्टर्स, वो उस तरह के हैं। यूनिवर्सल करेक्टर्स वो होते हैं जैसे दुनियावी मटेरियलिस्टिक होकर लोग रहते हैं आम तौर पे, ऑर्डिनरी पर्सन इस तरह से हैं। ईच ऑफ देम कॉम्प्रीहेंड्स विद इन इटसेल्फ द होल ऑफ ह्यूमन नेचर, दैट इज व्हाई दे अपील टू ऑल। अपने आप में जो है आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं अपने आप को, जो भी उनका अपने हालात हैं अपने आप में वो रहते हैं और उसी के लिहाज से वो चलते हैं। तो यही उसकी जो है डिपिक्शन है। एक्चुअली ये चीज़ें आपको जो है अभी रेफरेंस, जब फर्दर हम रेफरेंस के साथ डिस्कस करेंगे तो फिर आपको फर्दर जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। द लिमिटेशन ऑफ हार्डीज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन में नाउ बी नोटेड, यानी कि उसकी जो लिमिटेशंस है वो भी आप नोट कर सकते हैं। एज डेविड सेज़ इट पॉइंट्स आउट, हिज इमेजिनेटिव रेंज इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज सक्सेसफुल करेक्टर्स बिलोंग टू वेसेक्स। जितने भी, जैसे मैंने आपको वेसेक्स का बताया था कि जितने भी करेक्टर्स हैं और जितने भी नॉवेल्स हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 48 नॉवेल्स ऐसे हैं जिसमें वेसेक्स और इस तरह के हिस्ट्री बेस्ड जो प्लेसेस हैं ऐड की गई हैं, और उस टाउन और उस कंट्री साइड पे जो है वो उस कंट्री साइड को ऐड किया गया है जिसको हम वेसेक्स कहते हैं। ठीक है, किंगडम ऑफ इंग्लैंड, तो उसको जो है उसने ऐड किया गया है, ऐड किया अपने नॉवेल्स के अंदर। टू द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, लोअर क्लास सोसाइटी की लोअर क्लास पे बेसिक जो है इसका फोकस था, तो इस वजह से इसके जो है ना वो नॉवेल्स और कैरेक्टर ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इन द लोअर रैंक्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जितने भी लोअर रैंक्स हैं उसमें उनके बारे में बात की गई है। ये है इसके नॉवेल के अंदर, कंडक्ट और एक्शन इज़ द रियल एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर। उनके कैरेक्टर्स के रियल एक्सप्रेशन क्या हैं उनके एक्शन के थ्रू हमें पता चलता है, और उनकी कंडक्शन जो जो एक्शंस वो फॉर्म करते हैं और जिस तरह से वो प्लान करते हैं उनके थ्रू वो रिवील होते हैं और एक्सप्रेशंस उनके नज़र आते हैं। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। और क्या था कि हार्डी ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहता था, और उसने इसी चीज़ को फोकस करते हुए ये नॉवेल्स लिखे हैं। उसका लाइक हम कॉन्शियस होते हैं ना कि हमारे साथ ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये कौन सी फोर्स है जो हमें कंट्रोल कर रही है, हमारी किस्मत का लिखा
लिखा पहले से लिखा जा चुका है या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, या इस तरह से कई सवाल हमारे जहन में आते हैं जब मोस्टली आप यंग एज में होते हैं। तो आप अगर कभी आपको मौका मिलता है या ऐसा मोड़ आता है हर इंसान की ज़िंदगी में जब आपको मौका मिलता है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ये क्यों है, कब एंड होगा और कौन कंट्रोल कर रहा है इसको वगैरह वगैरह, तो इस चीज़ को उसने समझने की कोशिश की थी। सो ही गोज़ टू द सिंपलेस्ट स्पेसमैन और स्पेसमैन ऑफ इट, यानी कि सिंपल जो इंसान की सिंपलेस्ट यानी कि लोअर रैंक है वहाँ से इसने जो है ना अपनी ये शुरुआत की थी कि इस तरह से जो है ना स्पेसमैन के एक नमूना बयान करना। तो सिंपल लोगों से सिंपल जो पीजेंट्स और किसान और फार्मर्स इस तरह की जो डिपिक्शन है लोअर क्लास से सोसाइटी के लोअर क्लासेस ने जो है फिर वो शुरू किया, इसलिए इनका पोर्ट्रेल हमें मोस्टली नज़र आता है क्योंकि हार्डे के नज़रिए के लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जस्ट एज थॉमस हार्डी कैन नॉट पोर्ट्रे मैन एंड वुमेन फ्रॉम द अपर क्लास, उसके नॉवल्स में आपको अपर क्लास के लोग बहुत कम नज़र आएंगे। सो ऑल्सो ही इज़ नॉट सक्सेसफुल इन द पोर्ट्रेल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा आपको नॉवल के अंदर करेक्टर्स बहुत अक्लमंद टाइप विटी टाइप जो है नज़र नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा। मतलब किसी कैरेक्टर को आप कहें कि बहुत ही अच्छा है इसका, कोई इसने जैसे कोई गुनाह ना किया हो या कोई इसका एक्शन ना किया हो, जैसे कि कहते हैं ना कि हर जो सादा इंसान है ना मासूम सा इंसान है वो भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो भी गुनाह करता है, उससे भी फैसले गलत होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स का मतलब ये है कि एक ऐसा हम समटाइम कहानियों में नॉवल में मूवी में ऐसे करेक्टर्स नज़र आते हैं जो बिल्कुल ही मासूम होते हैं, जो कभी गलत करते ही नहीं है, उनसे गलत कुछ होता ही नहीं है, और समटाइम हो भी जाए तो वो इस हद तक नहीं होता कि उनको जो है उनकी मॉरल वैल्यूज़ पे शक किया जाए या डाउटफुली देखा जाए उसको। तो इंटेलेक्चुअल्स का मतलब यही है कि किसी करेक्टर को उस तरह से बहुत अच्छा भी रिप्रेजेंट किया गया, तो इस चीज़ में भी वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो समझता है कि कोई इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहता था वो, इंसान की रियलिटी को समझना चाहता था, इंसान की नेचर को समझना चाहता था, इंसान है क्या। तो इसलिए इसने इंटेलेक्चुअल्स और अपर क्लास को बहुत कम डिपिक्ट किया है। हिज इंटेलेक्चुअल्स आर सेल्फिश, और लेकिन जिनको वो इंटेलेक्चुअल कहता है वो क्या है, वो सेल्फिश हैं, हार्ड हार्टेड हैं, यानी कि बहुत ही सख्त किस्म के दिल हैं उनके, एंड कंपैटिबल जिनको समझना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। और जो मिक्सचर आपको नज़र आते हैं अपने ना पर्सनैलिटी में, देर इज़ नो जनरस इम्पल्स इन दैम, कोई जनरोसिटी नहीं है, कोई कोई प्योरिटी नहीं है उनमें, दे शो द इवल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड रीजन, यानी कि हर एक एक्शन होने होते हुए या कोई इवेंट हो रहा होता है या उनके साथ कुछ हो रहा होता है तो उस पर वो उनपे इवल इफेक्ट्स यानी कि बुरे इफेक्ट्स पड़ते हैं और वो शो करते हैं अपने जो जैसे कि अपने रिएक्शन के थ्रू, वो इस तरह से उनका रिएक्शन आपको ऐसा नज़र आएगा किसी एक्शन पे कि जैसे उनमें बहुत इवल है, या जैसे आप भड़क उठता है ना इंसान कुछ सुन के गुस्से में हो जाना, या इस तरह के इवल इफेक्ट्स इस सेंस में है। फॉर इंस्टेंस क्लाइंट्स ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ एंड मदर इज स्ट्रॉन्ग, अगर हम मिसाल के तौर पे देखें नॉवल के अंदर, अब रेफरेंसेस आ गए यहाँ पे नॉवल के अंदर देखें तो क्लाइंट का जो ट्रीटमेंट था अपनी वाइफ एंड मदर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड अनहेसिटेंट इन हिज हार्डनेस, अपनी हार्डनेस में वो अनहेसिटेंट था, मतलब उसने कोई भी ज़रा भी कहीं पे झुकाव नहीं था उसका, कहीं पे उसको झिझक नहीं हुई कि मैं ये ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, या मेरे ऐसे एक्शन से मेरी बीवी पे मेरी मदर के साथ ऐसे मैं एक्शन कर रहा हूँ तो इसका असर उस पर क्या पड़ेगा, मैं ये फैसला ले रहा हूँ तो मेरी फैमिली टूट फिकर जाएगी इस तरह से। तो ये अपनी हार्डनेस में वो चीज़ें छोड़ उसने ये नहीं देखा, उसने अपने ट्रीटमेंट जो दोनों के साथ रखा इतना स्ट्रांग और हार्डनेस थी उसमें कि वो फ्लेक्सिबिलिटी ला ही नहीं पाया अपने अंदर, वो सोच ही नहीं सका कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्लेयर फेल्स टेस्ट टू द एट द ग्रेटेस्ट क्राइसिस ऑफ हर लाइफ, जो क्लेयर जो है वो मेल करेक्टर है और टेस्ट फीमेल करेक्टर है टेस्ट ऑफ द अर्बिविल्स में, तो वो क्या है कि वो टेस्ट को खो देता है कि उसकी लाइफ के क्राइसिस इतने ज़्यादा होते हैं उस वजह से, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड लॉजिकल डिपॉजिट
एक तो उसकी अपनी लड़की की जिंदगी में जो है वो क्राइसिस होते हैं, दूसरी ये बिकॉज ऑफ हिज हार्ड लॉजिकल डिपॉजिट, कि उसकी लॉजिक इतनी वो कह ले कि एक बंदा ना वो लॉजिक के बगैर बात नहीं करता, तो वो लॉजिकली इतना हार्ड हार्श था उसकी डिस्क्रिप्शन, और उसकी बिल्कुल अपोजिट उसका करेक्टर था, तो इसलिए वो दोनों में जो है वो उसे हासिल करने में जो है वो पहले नाकाम रहा। अनदर लिमिटेशन ऑफ हार्डी रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ हिज फिलोसफी ऑन हिज नॉवल्स, जो फर्स्ट आपने देखी वो लिमिटेशन है, लिमिटेशन यही है कि उसने इंटेलेक्चुअल्स बहुत ज़्यादा नहीं अट किए हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं भी तो वो जिनको वो इंटेलेक्चुअल कहते हैं वो बहुत ही सेल्फिश और हार्ड हार्टेड हैं, इस तरह की डिपिक्शन है। सेकेंड, इम्पैक्ट ऑफ हिज फिलोसफी उसके लिमिटेड कैरेक्टर्स के का जो रिजल्ट एज अ रिजल्ट हमें नॉवल के अंदर नजर आते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑफ हिज फिलोसफी कैसे है देखते हैं अभी। हिज थीम इज मैन मैंस प्रेडिसमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि हिज थीम इज मैन प्लेसमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि नॉवल के अंदर उसकी जो थीम है बेसिकली वो ये है कि इंसान दुनिया में रहते हुए कितना डिफिकल्ट है, कितना एम्बेरसिंग है अपने आप में, ठीक है। प्लेसमेंट आप कह सकते हैं इस सेंस में कि डिफिकल्ट सिचुएशन, इश्यूज, ट्रबल्स, एम्बेरसिंग या अनप्लेजेंट मोमेंट्स इन ईच वन ऑफ हिज नॉवल्स, हर एक नॉवल में ही शोज मैन रेंज्ड अगेंस्ट अ क्रूअल डेस्टिनी, यानी कि क्रूअल डेस्टिनी के उसकी जो किस्मत का उसकी जो मंजिल है उसका जो किनारा है, क्रूअल डेस्टिनी जो उसकी कह लें कि जालमाना मंजिल इस सेंस में कहते हैं, जो उसकी डेस्टिनी अपनी एक इंसान अपनी मंजिल को पहुंचता है और बहुत ही जालमाना रवैया होता है उस डेस्टिनी में उसके साथ, तो उस रेंज में उसके जो है ना वो एक करेक्टर को शो करता है नॉवल के अंदर। देयरफॉर हिज कैरेक्टर्स कम टू हैव अ फैमिली लाइकनेस, उसके कैरेक्टर्स क्या है कि फैमिली लाइकनेस, यानी कि उनको एक फैमिली बनाना, फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है। दैट द सेम टाइम ऑफ करेक्टर्स सेम टाइप ऑफ करेक्टर्स हैव बीन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, इस तरह के करेक्टर्स हर नॉवल के अंदर रिपीटेडली नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन उनकी वहाँ पे दूसरे करेक्टर्स के साथ उनका रोल अलग होता है। इट ऑल्सो हैज़ बीन सेड दैट इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट थॉमस हार्डी इज सक्सेसफुल ओनली इन पेंटिंग सिंपल नेचर्स, कहा जाता है कि वो सिर्फ सिंपल नेचर्स को पेंट करने के लिए जो है ना वो सक्सेसफुल है। वी डू नॉट गेट एनी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स फ्रॉम हिम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स भी नहीं हैं, कि जैसे स्टिशिया का कैरेक्टर अगर हम ले लेते हैं तो नॉवल के अंदर अकॉर्डिंग टू इवेंट्स ही उसकी हमें नज़र आती है परफॉर्मेंस और रोल पता चलता है, फिर हमें समझ आती है कि हाँ ये इस टाइप की है, तो मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है उसके करेक्टर में हमें नज़र आती है, क्लियर है सब कुछ। ही इज़ इनकैपेबल ऑफ दैट सबल साइको एनालिसिस, सबल यानी कि बहुत नाइसली किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, साइको एनालिसिस इंसान की साइकी को एनालिसिस करना, साइको एनालिसिस इसको कहते हैं, ये एक ऐसी लिटरेरी टर्म है, प्लीज़ बी नोटेड, साइको एनालिसिस एक लिटरेरी टर्म है जो आप फर्दर मॉडर्न नॉवेल्स में, ड्रामास में या नेक्स्ट ईयर किसी भी जॉनरा में आप ये पढ़ेंगे साइको एनालिसिस करेक्टर्स का, ठीक है, ये लिटरेरी टर्म के तौर पे आप जो है ना इसका आप साइको एनालिसिस करते हैं करेक्टर्स का, तो ये साइको एनालिसिस जो है वो इसको डिपिक्ट नहीं किया हुआ इसने, इनकैपेबल है ये इसकी डिपिक्शन में हार्डली, ठीक है। दैट एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, ठीक है, टू कंक्लूड वी कैन से दैट हिज कैरेक्टराइजेशन इज नॉट ओनली एक्सटर्नल, यानी कि सिर्फ बाहर ही नहीं है उसकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बल्कि इंटरनल भी है, बट इंटरनल ऑल्सो। हार्डी गोज डाउन टू द लोएस्ट रैंक्स ऑफ सोसाइटी फॉर हिज हीरोज एंड हीरोइंस, सोसाइटी के बहुत ही लोएस्ट रैंक्स को लेके
और उनके थ्रू नॉवल लिखे गए हैं और हीरोज और हीरोइन उसी रैंक के अंदर लिए गए हैं, एंड शोज दैट दे टू हैव सोल्स एज ब्यूटीफुल एज मिस्टीरियसली इंटरेस्टिंग एंड स्पिरिचुअली एडवेंचरस एज दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जिस तरह से किंग और क्वीन दुनिया में रहते हुए खूबसूरत भी हैं, उनकी रूहें अंदर से मतलब इंसान प्योर भी है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी होता है सम टाइम, वो उनमें बुराई भी पाई जाती है, अच्छाई भी पाई जाती है। तो इसी तरह से उसने प्रेजेंट किया जैसे किंग और क्वींस होते हैं, मतलब कि लोअर क्लास के रैंक्स जो सोसाइटी के उसने दिखाए हैं हमें नॉवल के अंदर हीरो हीरोइंस हों, तो वो उनकी डिपिक्शन ऐसे ही है जैसे किंग्स और क्वींस अपनी लाइफ्स में होते हैं, एक नेचुरल और एक इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ्स होती हैं। इसी तरह से इनकी ब्यूटीफुल भी प्रेजेंट किया है, इनको इसमें इंटरेस्टिंग भी इनको बनाया हुआ है, तो इस तरह से जिस तरह से उनकी लाइफ हो। टेस हैज़ अ ब्यूटीफुल सोल, ये दूसरे नॉवल से फीमेल कैरेक्टर, एंड द ट्रेजेडी अराइज़ेस फ्रॉम द फैक्ट दैट हर प्योर सोल इज क्रश्ड इनटू द इम्प्योरिटी। उसकी सोल प्योर होती है लेकिन वो लोगों को पहचानने में गलती करती है, उसकी इम्प्योरिटी होती है। द प्रॉबिंग ऑफ द हिडन डेप्थ ऑफ द सोल्स ऑफ ऑर्डनरी पीपल गिव्स हार्डे एज हार्डे अ क्विट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोजिशन अमंग द ऑल अमंग द ग्रेटेस्ट हिटिज ऑफ करेक्टर। यानी कि करेक्टर को जितने भी लिटरेचर के अंदर जितने भी ग्रेट कैरेक्टर्स हैं उनमें इसकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस है हार्डी की। ओके, अभी हम रेफरेंस के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवल का रेफरेंस आ गया यहाँ पे। इंट्रोडक्शन। इन द फील्ड ऑफ कैरेक्टराइजेशन हार्डेस्ट टैलेंट एज कम्पेयर्ड विद डैट ऑफ सम ग्रेट नॉवलिस्ट इज नैरो, यानी कि उसका थोड़ा सा नैरो यानी कि थोड़ा सा तंग सा नजरिया है। हिज मेमोरेबल कैरेक्टर्स ऑल हैव अ फैमिली लाइकनेस बट देर इज नो डाउट अबाउट द रियलिस्टिक क्वालिटी ऑफ हार्डेस्ट कैरेक्टर्स पोर्ट्रेल। ही मेक्स हिज कैरेक्टर्स लिव इन ऑलमोस्ट वाइटल मैनर। ठीक है, वी गेट द फीलिंग दैट वी हैव एक्चुअली मेट द वेरियस पर्सन होम हार्डी पोर्ट्रेज इन हिज फिक्शन। यानी कि हम उसके कैरेक्टर्स को पढ़ के हमें ऐसा फील होता है कि वी हैव एक्चुअली मेट द वेरियस पर्सन, हमें ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को हम मिल चुके हैं, एक्चुअली मिले हैं। ठीक है, होम हार्डी पोर्ट्रेज इन हिज फिक्शन, अपने फिक्शन नॉवल में, यानी कि ये इसमें जो प्लेस है वो जिसका रिलेशन बताया गया दूसरे कैरेक्टर्स के साथ अब्दुल हेत का, तो ये एक फिक्शन प्लेस है, तो फिक्शन प्लेस के अंदर रहते हुए उसने ऐसे पर्सन को क्रिएट किया और उनका पोर्ट्रेट ऐसे था जैसे हम उनसे पर्सनली मिल रहे हैं। हिज कैरेक्टर्स आर मेड ऑफ सॉलिड फ्लैश, एक प्योर जो फ्लैश है निचोड़ है वो हमें नजर आता है कैरेक्टर्स के अंदर, एंड ब्लड लाइक लाइम एंड स्टेशिया। दे आर रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन बींग्स एंड देयर कॉन्वर्सेशन एक्शंस इरिटेशंस अनोयंसेस एंड क्वरल्स परफेक्टली कन्विंसिंग। यानी कि हमें उन्हें देख के हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ रियल लाइफ में ऐसे इंसान हैं और होते हैं और हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं। इट हैज़ बीन सेड दैट हार्डेस्ट ग्रेट सक्सेस इन विद इज विद सबर कैरेक्टर्स। उसकी ग्रेट सक्सेस क्या है कि वो सिंपल कैरेक्टर्स जो है ना, मतलब कैरेक्टर्स को बहुत नाइसली उसने प्रेजेंट किया है। बट द फैक्ट इज दैट हिज मैन एंड वुमेन आर द मोस्ट विविडली रियलाइज्ड व्हेन दे आर सिंपल। के क्या लें कि जितने भी फीमेल मेल कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को रियलाइज करते हैं जिसमें व्हेन दे आर सिंपल एंड प्रिमल कैरेक्टर्स रस्टिक सच एज ग्रैंडफादर एंड क्रिस्टियन कैंटल। यानी कि वो अपने आप में जो प्योर लाइक बहुत ही सिंपल है जिनकी वजह से सीन क्रिएट होता है, लेकिन अपने आप में वो ये सब जानबूझ के नहीं करते हैं। स्टर्डी कंट्री मैन लाइक ग्रिगोरी वन, जो कि जिनके थ्रू हमें दूसरे लाइक इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, उनके दूसरे करेक्टर्स के एक्शंस इनकी वजह से होते हैं। मतलब मोस्टली ऐसे जैसे अभी जो प्रीवियस लेक्चर था आई थिंक फेयर और चांस वाला था या एक्टर है में जो करेक्टर का था उसमें ये था कि क्रिस्टन कैंटल और जो ये ग्रैंडफादर और डिगोरी मैन है इनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसे है कि ये एट द स्पॉट करेक्टर्स को बताते थे कि यहाँ ये हो रहा है यहाँ ये हो रहा है, एक दूसरे को खबर दे एक की दूसरे के बारे में न्यूज़ देते थे एक को। ठीक है, तो इनकी ये जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट थी
इसके अंदर। तो ये जानबूझ के नहीं बल्कि ये इनकी सिंपलिसिटी थी कि बाय द टाइम या बाय सॉरी कोइंसिडेंटली और बाय चांस ये एट द स्पॉट एट द राइट टाइम पहुंच जाते थे। तो ये इनकी अपने आप में सिंपलिसिटी थी, ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा इनका नहीं था। डिगोरी वन का थोड़ा सा अलग सीन हो जाता है, लेकिन बाकी दोनों का या तीनों का जो है, जो जिसमें जॉन सॉरी जो नन सच का बेटा था वो भी इसमें आ जाता है। पैशनेट वेवर्ड वुमेन सच एज इशिया एंड प्लॉसिबल रोड्स सच एज वाल्डिप द पोर्ट्रेल ऑफ मेल कैरेक्टर्स आर एडमायरेबल। ही परहैप्स सक्सीड्स इवन बेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैन देन वुमेन, के वुमेन के एज कम्पेयर टू मैन और वुमेन दोनों में से देखा जाए तो वो मैन की जो है वो ट्रीटमेंट उसका बेटर है, उसमें वो सक्सीडेड है राइटर, ठीक है, इस नॉवल के अंदर स्पेशली। सो आगे चलते हैं फर्दर। दिस चॉइस ऑफ हिज कैरेक्टर्स लीड्स हिम अवे फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज, ये वही जो अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस किया, विच डिलाइट मोस्ट नॉवलिस्ट इफ हिज बेस्ट कैरेक्टर्स आर नॉट सबल, द आर्ट दैट डिस्क्राइब देम इज श्योरली वन, फॉर ही कैन रिकॉर्ड द म्यूटेस्ट फ्लक्चुएशंस ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंसिस, के द आर्ट दैट डिस्क्राइब्स देम इज श्योरली वन, जो एक ही है जो जिसके थ्रू वो सबको डिस्क्राइब करता है, फॉर ही कैन रिकॉर्ड द मिन्यूटेस्ट फ्लक्चुएशंस ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंसेस, उनके जितने भी इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनकी एक एक छोटी छोटी डिटेल और एक एक फीलिंग्स मिन्यूटेस्ट यानी कि छोटी से छोटी जो है ना वो फ्लक्चुएशन जो उनकी एक दूसरे के साथ होती है। एक कमी बेशी, ठीक है, हर इमोशन को लेके जहाँ पे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, ये यानी कि एक 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 चीज़ जो है ना उनके इमोशंस को लेके बताई जाती है, रिकॉर्ड की गई है। राइट द प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप्स ऑफ द करेक्टर्स, उनके आपस में रिलेशनशिप में क्या करेक्टर्स के प्रॉब्लम्स थी, उनके इश्यूज क्या थे, एंड डिस्कस देम, उनको डिस्कस करता है, सच एज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ स्टेशिया एटसेट्रा। हार्डी इंट्रोड्यूसेस ईच ऑफ हिज प्रिंसिपल करेक्टर्स, हर मेन कैरेक्टर जो है वो उसने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है विद अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस में वो अपने आप में थोड़ा सा लिमिटेशंस उसकी ऐड किए गए हैं। द रेडल मैन इज डिस्क्राइब्ड एज यंग एंड इफ नॉट एग्जैक्टली हैंडसम, वो उतना हैंडसम नहीं था, अप्रोचिंग वेरी नियर टू हैंडसम, लेकिन इतना था कि मतलब उस पर थोड़ी सी अट्रैक्शन पाई जाती थी। वर्ल्ड इज द क्यूट क्विट अ यंग मैन, द ग्रेस ऑफ हिज मूवमेंट इज सिंगुलर, यानी कि उसकी वो जो एज अ यंग मैन उसकी जो ग्रेस थी वो बहुत ही कह लें कि एज कम्पेयर टू डिगोरी मैन उसकी वो बहुत कह लें कि अट्रैक्टिव थी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी लड़कियों के लिए स्पेशली। इट इज द पेंटोमिमिक एक्सप्रेशन ऑफ अ लेडी किलिंग करियर, उसकी पर्सनैलिटी की ग्रेस ऐसी थी और उसकी अट्रैक्शन ऐसी थी कि वो एक लेडी किलर की किलिंग किलर की हैसियत से जो है वो उसका मतलब करियर या एक्सप्रेशन हमें इसके नजर आते हैं, लोग उसके बारे में इस तरह से सोचते हैं वो एक लेडी किलर है, ठीक है। एक पेंटोमिमिक जो है एक म्यूजिकल कॉमेडी है जो पहले लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज पे परफॉर्म करते थे इंग्लैंड में बेसिकली, स्पेशली जो है ना उस टाइम पे ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और उन्हीं कंट्रीज में जो है इसका यूज किया जाता था स्टेज पे। स्टेशिया इज फुल लिम्ब्ड एंड समवॉट हैवी एंड सॉफ्ट टू टच एज अ क्लाउड, शी हैज पैगन आईज फुल ऑफ नॉक्टर्नल मिस्ट्रीज। ओके, अभी हम रेफरेंस ये पिछला जो पैराग्राफ है ये वही है, सारी डिटेल्स मिन्यूट डिटेल्स जो ऑलरेडी अभी मैंने रिसेंटली फर्स्ट पेज पर डिस्कस किए हैं। पोर्ट्रेल ऑफ स्टेशिया आ जाता है, रिटर्न ऑफ द नेटिव कंटेन्स ऑफ द हार्डेस्ट ग्रेटेस्ट करेक्टर नोटेबली स्टेशिया एंड क्लाइम, हर रेबेलियस नेचर
जो जिसमें उसकी नेचर क्या थी, वो हर चीज पे बगावत करती थी, अपने आप, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपनी नेचर, अपने एटमॉस्फेयर से। एंड फोर्स ऑफ विल आर फॉर व्हाट हार्डेड कॉल्स हर द रॉ मटेरियल ऑफ द डिविनिटी। यानी कि जैसे एक इंसान अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है हर चीज को, डिविनिटी इसको कहते हैं कि हेमनली, यानी कि एक गॉडेस, गॉड वाली जो होता है ना मटेरियल, गॉड वाली पर्सनालिटी, जो एक क्वालिटी कि अपने आप को इतना समझ लेना, अपने खुद ही सब कुछ जज कर लेना, खुद ही सब कुछ करना और खुद ही फैसले लेना। और ये वाली इसकी नेचर थी, रेबेलियस, कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है और मैं ही, मेरे हाथ में सारा कुछ है। शी इज द मोस्ट पावरफुली ड्रॉन वुमेन इन द हार्डेस्ट पोर्ट्रेट गैलरी। हर सेल्फिशनेस, हर चार्म्स एंड ब्यूटी, हर अनकंट्रोल्ड पैशंस डू नॉट ब्लाइंड अस टू हर सेलेस्टियल इम्पीरियसनेस। ठीक है, कि हमें उसके जो है ये सारे पैशन, उसकी ब्यूटी, चार्म और ये सारे जो है उसकी जो क्वालिटी है, और बैड क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज उसकी पर्सनैलिटी की, डू नॉट ब्लाइंड अस टू हर सेलेस्टियल इम्पीरियसनेस, के हम उसकी पर्सनैलिटी में जो एक बेचैनी वाला देखते हैं पार्ट, वो बहुत ज्यादा हमें जो है ना वो नजर आता है। अनकंट्रोल्ड पैशंस, अपने अनकंट्रोल्ड पैशंस में वो हम इस चीज से ब्लाइंड नहीं रह पाते, ये देखने हम देख सकते हैं क्लियरली कि वो इन अपने पैशंस की वजह से किस हद तक जा रही है और किस हद तक बेचैन है, उसे समझ नहीं आ रही। वो कॉन्फिडेंटली कर जरूर रही है लेकिन उसे पता ही नहीं कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो ये उसकी बेचैनी है कि मैं जो चाह रही हूँ वो हो क्यों नहीं रहा। तो ये इसकी सेलेस्टियल इम्पीरियसनेस, यानी कि बहुत ज्यादा बेचैनी। हार्डी सजेस्ट दैट शी इज अ गॉडेस इन हर पावर, उसके पास गॉडेस वाली जैसे पावर हो। शी हैज अ फेम फैटल इन हर पावर टू अरोज पैशन इन अदर्स। फेम फैटल यानी कि वुमेन, फेम जो है ना वुमेन, फीमेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है। फेम फैटल एक ऐसी खतरनाक औरत है अपने पावर में, जो अपने पैशंस को राइज करती है और दूसरों को भी अपनी लपेट में ले लेती है इस तरह से। एंड क्लियोपेट्रा इन हर प्राइड, क्लियोपेट्रा एक जो है कह लें कि बहुत ही एक्टिव रूलर थी, ठीक है, इजिप्ट में, इजिप्ट के टाइम पे, सॉरी इजिप्ट में बहुत पहले ऑलमोस्ट 14th 15th सेंचुरी में। तो ये लास्ट एक्टिव रूलर थी जो बहुत ज़्यादा, जिसमें प्राइड था और बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था किसी के लिए। और पैशन एंड हर स्कोन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो है ना उसके साथ अगर कोई पंगा लेता था ना, तो उसके लिए आसान नहीं था इससे बच निकलना। ठीक है, स्कोन कहते हैं कि किसी को ताना देना, किसी को टॉन्ट करना। तो उसके जो है ना कोई उस पर टॉन्ट करता था या इस तरह से उसको क्रिटिसाइज करता था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल खुद ही होता था। तो इस हद तक जो है ना ये इसका करेक्टर था। तो दोनों के सेम आपको जो है ना गॉडेस वाली भी पावर नजर आती है। शी इज हार्डेस्ट ग्रेटेस्ट क्रिएशंस होम नो रीडर इज लाइकली टू फॉरगेट, इनको कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे एक बार पढ़ने के बाद। शी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी दैट वी फॉल्स हर, उस अपनी ट्रेजेडी के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। दीज आर द फैक्टर्स विच पुट हर टू ट्रेजेडी, ये नीचे वो फैक्टर्स हैं जिनके जो उसको जो है ना ट्रेजेडी की तरफ लेके जाते हैं। हर अनसेटिस्फाइड लॉन्गिंग टू बी टेकन टू पेरिस, वो पेरिस जाने की जो अपना एक पैशन है उसको कभी भी काम नहीं होने देती, ना करती है। हर हेट्रेड ऑफ हेथ आर द मेन फैक्टर्स गवर्निंग हर फेट, यानी कि हेथ से जो बेसिक उसके शुरू से हमेशा से जो नफरत थी वो भी इन्वॉल्व होती है इसमें। शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्लाइम सिंपली बाई द होप डेट शी वुड बी टेकन टू पैरिस, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट की इस वजह से होती है कि वो पैरिस चली जाएगी और यही चीज उसे ले डूबती है। शी वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ हिज डेफिशंसीज एंड शी फ्रेंकली कन्फेस टू क्लाइम डेट शी डिड नॉट हैव द मेकिंग्स ऑफ अ गुड हाउस वाइफ, उसने खुद उसे कन्फेस किया था कि मैं मेरे पास वो गुड वाइफ, हाउस वाइफ वाली जो मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं है, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। बट शी ऑल्सो टोल्ड हिम दैट शी लव हिम,
उसने सेम कहा कि उसे मोहब्बत जरूर करती है एंड शी वुड सैक्रिफाइस हर ड्रीम ऑफ पेरिस फॉर हिम। उसने ये भी कहा कि वो अपना ये ड्रीम भी इसके लिए सैक्रिफाइस कर देगी। ये सिर्फ उसे प्रिटेंशियस, शी वॉज बींग प्रिटेंशियस टू हिम, उसे सिर्फ शो करने की कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद वो मान जाए। टू बी योर वाइफ इन पेरिस वुड बी हेवन टू मी, तुम्हारे साथ पेरिस में रहना मेरे लिए जन्नत से कम नहीं होगा। बट आई वुड रादर लिव विद यू इन अ हर्मिटेज हियर देन नॉट बी योर्स एट ऑल। आई वुड रादर लिव विद यू इन अ हर्मिटेज, यानी कि इस मुश्किल में और इस जगह पे तुम्हारे साथ मैं किसी भी हालात में रह लूंगी, और मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ हर हाल में रहना पसंद है। हेयर देन नॉट बी योर्स एट ऑल, तुम्हारा हमेशा के लिए ना होना उससे बेहतर है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस हर डिज़ायर ऑफ पेरिस नेवर पेरिश्ड। इन सब बातों के बाद और उससे शादी करने के बाद भी उसका ये पेरिस जाने का जो ख्वाब था वो कम नहीं होता, और हर रिएक्शन टू क्लाइंब्स फर्स्ट कटिंग, उसका जो रिएक्शन था जब उसने फर्स्ट कटिंग शुरू की, हर रीयूनियन इंटरेस्ट इन वाइल्डिव, और फिर उसका जो वाइल्डिव के साथ दोबारा इंटरेस्ट डिवेलप होना, हर फेलियर टू ओपन द डोर, फिर जब उस यूब्राइट का उसके घर पे आना और उसका कंफ्यूजन में और फियर में वो डोर ओपन ना करना, एंड हर फाइनल डिसीजन ऑन डेथ, और ऑल द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू हर ट्रेजेडी। ये सारे जो है फैक्टर्स वो हैं जो उसकी ट्रेजेडी में कंट्रीब्यूट होते हुए हमें नजर आते हैं। स्टेशियस ओन वीकनेसेस एंड लैप्सेस प्ले अ लार्ज पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रेजेडी। उसके अपने पैशन और उसकी वीकनेसेस हैं जो उसकी ट्रेजेडी का बायस बनती हैं। हर लव ऑफ गाइटी एंड पैशन, हर वर्ल्डलीनेस एंड इनकैपेसिटी ऑफ टू अप्रिशिएट हर हस्बैंड्स लॉफ्टी नेचर एंड हर इनकंसिस्टेंसी आर द पावरफुल फैक्टर्स। वो इनकंसिस्टेंट थी, यानी कि एक फैसला कर लेना उस पर कंसिस्टेंट रहना अलग बात है, लेकिन इनकंसिस्टेंस अपने फैसले बार बार बदलते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरह की नेचर। और अपने हस्बैंड को वो अप्रिशिएट कर ही नहीं पाई किसी मोड पे, ठीक है। उसका जो पैशन था फैशनेबल सिटी को लेके, और वर्ल्डलीनेस और इनकैपेसिटी टू अप्रिशिएट हर हस्बैंड, यानी कि वर्ल्डलीनेस नेचर के दुनियावी तौर पे जो आपके दुनियावी मटेरियलिस्टिक जो पैशन थे आपके, उस लिहाज से वो बहुत आगे जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। उनकी वजह से ये वो ये पावरफुल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रेजेडीज की दुनिया होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेशिया वाइफ। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मिसेस योबराइट। मिसेस योबराइट हैज बीन विविडली पोर्ट्रेड। हर लव फॉर हर सन इज हर मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। जो एज अ मदर उसकी मोहब्बत थी अपने बेटे से, वो बहुत यानी कि आउटस्टैंडिंगली हमें नजर आती है। विद इट शी कंबाइंस अ स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस ऑफ माइंड। अपने जो है ना एक अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है, विद इट शी कंबाइंस अ स्ट्रेंथ एज अ मदर जो है, जब वो स्टेशिया के अगेंस्ट फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टैंड लेने की कोशिश करती है अपने बेटे के आगे, और उसकी फर्मनेस, यानी कि फर्मनेस भी स्ट्रेंथ को ही कहते हैं, मजबूती, ठीक है, कि मेंटली वो बहुत स्ट्रोंगली डिसीजन लेती है स्ट्रेशिया वो अपने बेटे के लिए और थॉमसन के लिए। लेकिन अश्योर्डनेस एंड सगेसिटी, कि उसकी जो इतनी स्ट्रांग और इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद वो अपने आप में डिटर्मिन थी, जैसे कि क्लाइंट का करेक्टर था। और डिटर्मिन कैसे थी कि उसमें कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो समहाउ वो अपने आप में अपनी ये स्ट्रांग और अपनी ये स्ट्रांगनेस और स्ट्रेंथ शो करने के चक्कर में और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में वो इस हद तक चालाकी, समहाउ वो अपनी चालाक बन चुकी होती है। और जैसे कि सगेस्ट्री होता है किसी चीज़ को अपनी जजमेंट देना और कहना कि मतलब मैं ही ठीक हूँ, तो ये उसके जो है ना करेक्टर की क्वालिटीज थी। कि एक तरफ वो उसमें स्ट्रेंथ थी, स्ट्रांगनेस थी कि वो अपने बेटे के लिए स्टैंड लेना चाहती थी, दूसरी तरफ वो
चालाक भी थी थोड़ी बहुत, जिसकी बेस पे वो डिगोरीमैन को रिजेक्ट करती थी, जिसकी बेस के पे वो वाइल्ड को नफरत करती थी उससे, और फिर स्टिशा के अगेंस्ट हो जाती है, और ये उसकी चालाकी में और कैंग जजमेंट में वो समहाउ लैक कर जाती है। शी हैज अ प्रैक्टिकल माइंड स्पेशली इन हर असेसमेंट ऑफ स्टिशिया। यहाँ पे वो प्रैक्टिकली होके सोचती है कि ये एक प्राउड है और इसमें प्राइड बहुत ज्यादा है और एरोगेंट है, इस टाइप की लड़की के साथ में कुछ नहीं रह सकूंगी। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकली होके जो ना वो सोच रही होती है। और अपोजिशन टू हर सन्स एजुकेशनल प्लान्स शोज हर नैरो माइंडेडनेस। हर अपोजिशन टू हर सन्स एजुकेशनल प्लान्स जो है उसके जो एजुकेशनल प्लान्स हैं कि वो एज स्कूल टीचर वहाँ पे पढ़ाएगा और वहाँ पे अपने नेटिव्स के लिए कुछ करेगा, उसके वो अपोजिट होती है। और यहाँ से जो है ना वो नैरो माइंडेड इसलिए लिखा है यहाँ पे कि वो क्योंकि लोगों के बारे में सोच रहा होता है, और वो मिसेस योबर्ट ऐसे नहीं थी कि वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचे, वो उसे ये था कि मेरा बेटा मतलब ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहे और इस तरह से। ओके इसकी मिसेस यूबर्ट के मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे मिसेस यूबर्ट का करेक्टर आप उसकी जो क्वालिटीज़ हैं जिस तरह से उसकी डिपिक्शन या एनालिसिस है कैरेक्टर एनालिसिस में जो एक फाइल इससे पहले जो एक इसका लेक्चर अपलोड हो चुका है उसमें आप देख रहे हैं, उसमें जो इसकी डिटेल्स है ना वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि उसमें भी इसकी सेम डिपिक्शन है और अकॉर्डिंगली ही है, जिस तरह की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में अकॉर्डिंगली ये इसका यहाँ पे जो है ना वो फॉल करेगा, तो आप ऐड कर सकते हैं। द पोर्ट्रेल ऑफ क्लाइन, हिज पोर्ट्रेल इज मच लेस कॉम्प्लेक्स। उसका जो पोर्ट्रेल था नॉवल के अंदर वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। हिज अवर्जन टू मटेरियलिस्टिक एंड फैशनेबल लाइफ टू पेरिस ऑफ पेरिस, हिज ग्रेट लव फॉर हर मदर फॉर हिज मदर सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है। हिज डिसीजन टू बी अ स्कूल टीचर एंड एजुकेटर एंड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ मिस फॉर्चून ऑल मेक हिम अ कन्विंसिंग कैरेक्टर। कन्विंसिंग कैरेक्टर जिसको पढ़ के उसी बैड और गुड क्वालिटीज को पढ़ के हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर होता है और हुआ है, और जो कुछ इसके साथ हुआ है वो इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल भी है। द डिलिनेशन ऑफ हिज कैरेक्टर हैज सुपरबली बीन मेड बाय हार्डी। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी माइन्यूट सी डिटेल है, लेकिन अगर आप फर्दर डिटेल ऐड करना चाहें बल्कि मैं सजेस्ट करूँगी क्या बुक करो, और वो आप दूसरे नोट्स हैं उनमें जहाँ पे भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेलिवेंसी खुद अपने आप में लाएं, ये आप खुद देखा करें कि कहाँ पे आप पॉइंट्स कम हैं और कहाँ पे फर्दर पॉइंट कहाँ से कहाँ उठा के आप ऐड कर सकते हैं। इन द पोर्ट्रेल ऑफ डिगोरी वैन टू हार्डी इज मैचलेस, ही रिप्रेजेंट्स द ऑनेस्ट स्टेडफास्ट डिवोटेड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड सेल्फलेस लवर। ये सारी क्वालिटीज थी डिगोरी वैन की। सम ऑफ अस रिमेन अनकन्विंस्ड बाय द सेल्फलेस लव ही एक्सप्रेसेस टुवर्ड्स थॉमसन। हम बहुत अनकन्विंस्ड यानी कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं या हैरान भी होते हैं कि इस टाइप की मोहब्बत भी कोई करता है कि जिसमें सेल्फलेस हो, जो उसकी खुशी के लिए उसने वाइल्डर के साथ जा उस वो उस योबरा के साथ जाके वाइल्डर को कन्विंस किया और उसकी शादी करवाई, और फिर उसकी खुशी के लिए फर्दर भी वो लाइक कोशिश में लगा रहा कि वाइल्डर का स्टेशन के साथ जब अफेयर शुरू हो गया था तो तब भी वो कॉन्शियस रहा कि मतलब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इस तरह से। तो ये उसका सेल्फलेस जो है ना वो लव था उसके लिए, उसने सेल्फ अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। इट वुड बी सीन दैट ही हैज नथिंग एल्स टू डू दैट बट सेव गॉड द इंटरेस्ट ऑफ हिज फॉर्मर स्वीट हार्ट। उसी को जो है वो सेफली गार्ड कर रहा होता है और उसी का इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट उसी की तरफ होता है, चाहे वो मैरिड है अपनी ज़िंदगी में जैसे भी है उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको जो है ना वो उसकी पास में लगा हुआ था। वाइल्डिव वाइल्डिव इज द विलन हुज कंडक्ट अराउजेस डिस्गस्ट इन आवर माइंड्स। ठीक है, जिसको जितनी भी इसके कंडक्शंस हैं जितने भी इसके एक्शंस हैं हमें सुन के हमारे दिमाग में उसको लेके बहुत ही डिस्कस्ट, और हम कहते हैं कि बहुत ही घटिया टाइप का इंसान था। ही इज डिपिक्टेड एज
casual, irresponsible, selfish, pleasure loving and even callous. आमतौर पे जो होते हैं इस तरह के लोग जो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और इरेस्पॉन्सिबल होते हैं, इस टाइप की डिस्क्रिप्शन हमें नजर आती है. He plays with the hearts of girls, marries one of them and runs away. ठीक है, लड़कियों के उसके साथ मतलब उनके टाइम पास करता था, जिनमें से थॉमसन के साथ उसने शादी की और फिर भाग निकला. He strongly reminds us of Sergeant Troy in Far From the Madding Crowd. Madding Crowd हार्डी का फेमस नॉवल है, जो बादशाह स्टार्ट में एक करेक्टर आता है वो इसी के अंदर है. ये फोर्थ नॉवल था हार्डी का, तो इसी का रेफरेंस यहाँ पे है कि सर्जेंट ट्रॉय की तरह जो है ये हमें उसकी याद दिलाता है ये करेक्टर. He has attractive manners and amiable nature. अट्रैक्टिव मैनर्स उसके, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, अमीएबल नेचर जो उसने जो है ना इरादा कर लिया वो उसने करने ही करना ही है, तो हमें उसके नेचर में नजर आता है. ही पार्टली रीडीम्स हिमसेल्फ बाय सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ फॉर स्टिशिया. द कैरेक्टर ऑफ वाइल्ड इज कन्विंसिंग. यहाँ पे ही पार्टली रीडीम्स हिमसेल्फ बाय सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ फॉर स्टिशिया, के अपने आप को जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है स्ट्रिशिया के लिए एट द एंड ऑफ नॉवल. यहाँ पे वो यानी कि खुद को कन्विंस करना के उसे कह लो कि जस्टिफाई किया रेस्क्यू करते हुए कि लाइक यही मेरी जिंदगी है और मैंने इसके साथ रहना है, तो उसके लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया उसके साथ, उसको बचाते हुए. तो यहाँ पे हम कन्विंस हो जाते हैं कि चलो एक फैशन में तो वो कहीं ना कहीं वो है, एमिएबल है. कंट्रास्टेड पोर्ट्रेट्स हैं, ये भी ऑटो कैरेक्टराइजेशन में एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि कंट्रास्टेड पोर्ट्रेट्स हैं. वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हार्डीज़ कैरेक्टराइजेशन इज द कंट्रास्टिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ हिज कैरेक्टर्स. मिसेस योरबर्ट एंड स्टेशिया आर एज अनलाइक ईच अदर एज एनी टू वुमन कुड बी. दोनों में बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा. स्टेशिया को और थॉमसन से भी कंपेयर कर सकते हैं. द वन ऑनेस्ट एंड डिवोटेड, द अदर अनस्क्रपलस एंड इनकॉन्स्टेंट इन लव. जो स्टेशिया थी वो बहुत मिसेस योरब्राइट बहुत इनफ्लेक्सिबल थी, और जो स्टेशिया है वो अपनी मोहब्बत में इनकन्सिस्टेंट थी, कि उनमें उसने इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी कि वो एक तरफ अगर किसी से मोहब्बत कर लिए तो उसी से मोहब्बत करे, नहीं उसने वो बाकी वर्ल्ड वाइल्ड के साथ भी उसने वो अपना जारी रखा. क्लाइज कंट्रास्टेड विद बोथ डिगोरीमैन एंड वाइल्ड. ही पोर्ट्रेज मैन दाउ इन अ नैरो रेंज, बट ही डेलिनिएट्स वुमेन इमिनेंटली. देर आर द थ्री वुमेन कैरेक्टर्स इन द नॉवल, स्टेशिया, मिसिज यूबर्ट एंड थॉमसन. कंपेयर दैम, there are only three main female character, main male characters, Klein, Wildev and Diggory Van. You can compare them too. कि आप तीनों को, तीनों female characters को और तीनों male characters को आपस में compare और contrast कर सकते हैं. Let me tell you, आपके ये paper में भी question आ सकता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि compare characters का analysis कम आता है, characters का एक दूसरे के साथ compare और contrast और एवोल्यूशन आ जाती है, जो कि ग्रोथ ऑफ और ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर है. ठीक है, तो इन तीनों का आपस में कंपैरिजन भी आ सकता है, मेल का तीनों फीमेल का भी. ठीक है, आपस में भी आ सकता है, एक दूसरे के साथ भी आ सकता है, आपको बस इसका एनालिसिस आना चाहिए. एग्डन हेथ, ये भी एज अ कैरेक्टर है. इन डिनेटिंग द फेलीज कैरेक्टर्स, हार्डी मेक्स यूज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच दीज कैरेक्टर्स लिव. एग्डन हेथ इज नॉट ओनली द सीन ऑफ द स्टोरी, इट डिमांड dominates the plot and determines the characters. Like the different characters of it. यानी कि यहाँ पे आप different जो attitudes हैं towards characters, हेथ का क्या attitude था यहाँ पे आप वो describe कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हार्डी की philosophy है कि उसका life के लिहाज से, जिंदगी के लिहाज से उसके क्या उसका opinion है और उसके क्या उसका क्या सोचना है. हार्डी वॉज एन आर्टिस्ट, नॉट अ फिलोसोफर. वो एक फिलोसोफर नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने नॉवल के अंदर लाइफ से रिलेटेड और ह्यूमन नेचर से रिलेटेड
करेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है और जो डिस्क्रिप्शन उनकी दी है और एक जो स्टोरी क्रिएट की है उनकी, वो इस तरह से है कि जैसे एक फिलोसोफर ने की हो, और अपने व्यूज इस तरह से देंगे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फिलोसफी है जैसे। ही रिपीटेडली आर्ग्यूड दैट द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन हिज नॉवेल्स वर नॉट हिज बिलीव्स। वो ये कहता है कि मैंने जो पोर्ट्रे किए हैं कैरेक्टर्स और जो एक्सप्रेशन उनके नॉवल के अंदर दिए हैं, वो ये कहता है कि मेरे जो है ना पर्सनल बिलीव्स नहीं है, ये जो नॉवल के अंदर आपको नजर आते हैं करेक्टर के थ्रू, मेरे वो पर्सनल बिलीव्स नहीं है, दे वर सिंपली इम्प्रेशन ऑफ द मोमेंट। वो जो करते थे और एक्शंस और रोल उनका था, वो उस टाइम जिस टाइम पे उनकी जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो इंसान की होती है वो है, वो मेरे अपने बिलीव्स नहीं थे। हिज राइटिंग्स वर ऑल मूड डिक्टेटेड। यहाँ पे आपका जो है ना वो मूड डिक्टेटेड के मूड स्विंग होना, ठीक है। देयरफॉर इट वाज रॉन्ग टू एक्सपेक्ट एनी फिलोसफी ऑफ इट वाज रॉन्ग टू एक्सपेक्ट एनी फिलोसफी ऑफ लाइफ के इस वजह से वो कहता था कि मैंने लाइफ की कोई फिलोसफी डिजाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये ना ही मेरे बिलीव्स हैं, मैंने सिर्फ इनको डिपिक्ट किया है कि इंसान अपने इस उसके अपने किसी एक्शन पे, अपने सामने होने वाले किसी एक्शन पे उसका रिएक्शन क्या होगा, इंसान की अपनी ज़िंदगी क्या हो सकती है दूसरों के साथ रहते हुए और एक्टन हेट्स जैसी जगह पे रहते हुए, इंसान नेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है, और ये सारी चीज़ें उसने प्रेजेंट की हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन दिए हैं, इंप्रेशन दिए हैं, ये कोई ना फिलोसफी और ना ही उसके पर्सनल बिलीव्स है। हाउएवर व्हेन द रीडर्स फाइंड सर्टन इंप्रेशन कॉन्स्टेंटली एंड रिपीटेडली इन हिज वर्क्स डायरीज लेटर्स, यू कैन इजिली टेक दैम एज हिज आइडियाज एंड फिलोसफी। जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया वह इन सारी चीज़ों को, हमें लगता है कि वो वाकई एक फिलोसफी ही है। सफरिंग अ यूनिवर्सल, सफरिंग यानी कि एक हम कहते हैं ना कि गम तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो आते ही रहते हैं, आते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, तो ये है कि सफरिंग जो है एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है और होता है। इन हार्डेस्ट कंसिडर्ड व्यूज लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग, मैन सफर्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ अप टू हिज डेथ। उसके ख्याल में इंसान अपनी बर्थ से लेके अपनी डेथ तक सफर करता है। हैप्पीनेस इज ओनली ओकेजनल, जो खुशी है वो सिर्फ वक्ती होती है या मौका के तौर पे आती है आपके पास, मौके के लिहाज से जनरल रूल नहीं है ये, इट इज़ नॉट द जनरल रूल के आप हमेशा खुश रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता। ही सेज इन द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज दैट हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। इंसान का जो एक दर्द की जो कहानी है उसमें हैप्पीनेस जो है एक ओकेजनल एपिसोड है, एक एपिसोड के तौर पे आती है, एक एपिसोड गुजर जाती है और फिर आगे दोबारा आपके गम फिर आ जाते हैं आपके आगे, तो हैप्पीनेस इस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक एपिसोड बन के आती है। देर इज नो वन हु गेट्स मोर देन ही डिजर्व्स, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि वो हासिल करे जो नो देर इज नो वन हु गेट्स वो हासिल करे मोर देन ही डिजर्व, जितना वो डिजर्व करता है उससे ज़्यादा हासिल करे कोई ऐसा नहीं है कभी होता, बट देर आर मैनी बहुत सारे ऐसे भी हैं हु गेट मच लेस, जिन्हें बहुत कम मिलता है देन वट दे डिजर्व। यानी कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि इंसान को वो मिले, इंसान जो डिजर्व करता है उससे उसे ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी होता है दुनिया में कि कोई इंसान जितना डिजर्व करता है उसे उससे बहुत कम मिलता है, और किसी को उसके जितना वो डिजर्व करता है उससे ज़्यादा नहीं मिलता, ये भी एक फैक्ट है। इम्परफेक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉज, इम्परफेक्शंस क्या है जो उसके करेक्टर्स में हमें नजर आती हैं। हार्डी सेज दैट द रियल कॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी इज द इम्परफेक्शन ऑफ द कोर्स ओन हाई। इंसान की जो इम्परफेक्शंस है ना, जो उसकी खामियां हैं, वही सारी उसकी सफरिंग बनती हैं समटाइम्स। द पावर दैट कॉज्ड और क्रिएटेड द स्टोरी दिस स्टोरी स्कीम ऑफ थिंग्स, यानी कि स्टोरी के अंदर जितनी भी स्कीम ऑफ थिंग्स क्रिएट होती है और कॉजेज जो बनते हैं ना, और जो एक पावर चल रही होती है वो एक्चुअली ये फोर्स इम्परफेक्शन होती है जो आपकी खामियां अंदर की होती है, जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं। ही रिजेक्ट्स द कन्वेंशनल बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी
देखिए वो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हो गया था एक टाइम पे, तो उस टाइम पे ये नॉवल लिखा गया, और वो उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी के इस बिलीफ पे उसके अगेंस्ट था, ठीक है। ही रिजेक्ट्स द कन्वेंशनल बिलीफ। कन्वेंशनल बिलीफ इस सेंस में कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिलीव या कॉमन, एक कॉमन चीज जो कि होनी है, हम कहते हैं कि एक रस्मी चीज है, ये तो होती ही है, तो वो इस बिलीव को रिजेक्ट करता है। ही रिगार्ड्स हिज दिस पावर एज ब्लाइंड एंड इंडिफरेंट। इसमें ये कहना है कि ये बहुत ही ब्लाइंड और अजीब किस्म की पावर जो है ना वो कहा जाता है। दिस पावर हैज नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसमें सही गलत की जो है कोई सेंस नहीं पाई जाती। वो क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए कहता है, हालांकि बहुत जो है ये कह रहे हैं अपने नाउन के अंदर कि वो हर इंसान ये जो सफरिंग है और ये जो जो कुछ इंसान की जिंदगी में होता है वो उसकी डेस्टिनी है, फेट है, और ये सारी चीजें प्री डिटरमिन है। नेचर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉज। अब नेचर का क्या है, नेचर के क्या इन्वॉल्वमेंट है कैरेक्टर्स के अंदर, नॉवेल्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू हार्डी, दिस पावर शोज इट सेल्फ इन नंबर ऑफ वेज। समटाइम्स इट मैनिफेस्ट इट्स सेल्फ एज फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि कुछ नेचर के बारे में एक कहा जाता है कि एक फोर्स है, एक ग्रेट फोर्स है जिसके एक्सप्रेशंस वजह से कैरेक्टर्स पे ऐसे पड़ता है, उनके रिएक्शन समझ आते हैं। नेचर जनरली रिमेन्स इन डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ हार्डी। हार्डी के कैरेक्टर्स के साथ नेचर बहुत इनडिफरेंट, यानी कि अजीबो गरीब रही है, उसको कैरेक्टर्स के दुखों से, गम से, इमोशंस और फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, सफरिंग्स ऑफ टेस्ट गो अनअटेंडेड बाई नेचर। समटाइम्स द फोर्सेज ऑफ नेचर सीम टू एक्ट अगेंस्ट हार्डीज कैरेक्टर्स। समटाइम्स बल्कि हमेशा ही देखा गया है कि कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर्स के अगेंस्ट ही नेचर का जो है ना वो रोल नजर आता है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज अ ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर इन एंड इन्वायरमेंट। एक यानी कि कैरेक्टर्स की ट्रेजेडी और इन्वायरमेंट की वजह से जो ट्रेजेडी हुई उसको जो है, एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट, दिस नॉवल इज ऑल अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट, ये दोनों चीजें बेसिकली हैं। एग्रेट हेज प्लेज एन इम प्लेज अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द नॉवल एंड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में इसका बहुत बड़ा हाथ है, एक कैरेक्टर की तरह इसका रोल नजर आता है। द आयरनी ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आयरनी क्या है। द रूलिंग पावर ऑफ नेचर समटाइम्स एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज आयरनी ऑफ सर्कमस्टांसेस। हार्डी सेज दैट इज इन दिस इल कंसीव्ड स्कीम ऑफ थिंग्स द कॉन्ट्रेरी ऑलवेज हैपन्स। वी एक्सपेक्ट वन थिंग एंड द अपोजिट अकर्स। हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं लेकिन वो तो अपोजिट है। राइट थिंग्स नेवर हैपन एट द राइट टाइम। सही वक्त पे सही चीज़ें कभी भी नहीं होती। हमने जो प्लान किया होता है वैसा कभी भी नहीं होता, उससे चेंज भी होता है, उससे बिल्कुल अपोजिट भी हो जाता है। दे हैपन इधर नॉट एट ऑल और टू लेट, या तो बहुत लेट होते हैं ना फिर होते ही नहीं है जो हमने प्लान किया होता है। इट ब्रिंग्स नथिंग बट मिजरी एंड सफरिंग। जो हमने प्लान किया था वो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पे हमें उसकी या तो मिजरी मिलती है या फिर हमें सफरिंग मिलती है। द हीरोइंस ऑफ हार्डी लाइक टेस एंड एस्टेशिया एंड सम ऑफ द मेल कैरेक्टर्स लाइक क्लाइम, हेंचर्ड, एंजल, एलक आर द विक्टम्स ऑफ आयरनी ऑफ सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सर्कमस्टांसेस के थ्रू जो एक आयरनी और इन पे एक सटायर प्रेजेंट किया गया है, ये वो वाले कैरेक्टर्स हैं। द रॉन्ग मैन फर्स्ट कम्स फर्स्ट एंड वेन द राइट मैन कम्स। पहले जो क्रूअल है, जो विलन है वो आता है और फिर जो सही मतलब वो आता है, इट इज़ टू लेट, जो कि बहुत लेट होता हो जाता है।
Thus, text remained a vague impression to Angel Claire until Alec had violated her, and it was too late for them to live together happily. In Dr. Hardy's characters, in general, are the victims of this irony. Their intentions and hopes are constantly frustrated, as if some hostile powers are working against them. ये दोनों फैक्टर्स उसके दूसरे नॉवल से हैं, आप चाहें इस पर सर्च करके देख लेते हैं, देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसी नॉवल के दूसरे करेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जिनकी वजह से वायलेंस फैलता है, जिनकी वजह से लाइक अपने टाइम पे वो बहुत लेट आते हैं, जैसे कि क्लाइम का, ट्रिशिया का और वाइल्ड का करेक्टर है। रोल ऑफ चांस एंड फेट, ये भी ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है एक उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो यहाँ पे एक छोटा एस्पेक्ट है यानी कि आउट ऑफ फैक्टराइजेशन में इसका पॉइंट आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। देर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द चांस एंड आयरनी ऑफ सर्कमस्टांसेस। चांस इज एंटायरली अनएक्सपेक्टेड एंड हैज नो रिलेशन इधर टू करेक्टर और टू द कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि चांस और फेट में डिफरेंस क्या है कि चांस क्या है कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली होता है जिसका करेक्टर और कोर्स ऑफ एक्शन से, यानी कि जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका उससे कोई रिलेशन नहीं होता। चांस का मतलब यह है कि जब भी कोई चीज़ होती है अनएक्सपेक्टेडली होती है और करेक्टर को इसका कुछ पता नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होता, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं होता, जो भी होता है अनएक्सपेक्टेडली होता है, ठीक है, और बाय चांस होता है। While the essence of irony of circumstances or fate is its opposition to the wishes of a character, यानी कि इसका opposite क्या है कि इंसान की wishes के against होता है ये, ठीक है। Chance क्या है कि by chance होता है, unexpectedly होता है, और fate क्या है कि जो कि बिल्कुल ही इंसान की wishes के opposite हो। Chance may sometime work in favor of particular character, इंसान के may be हर somehow किसी फेवर लगता है कि वो फेवर में काम उसकी इन्वायरमेंट है फेवर में है, बट इन हार्डीज इट ऑलवेज ऑपरेटेड अगेंस्ट देम। हार्डी के नॉवल के अंदर आपको अगेंस्ट होता है नजर आएगा। चांस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ एंड सो इन हार्डीज नॉवल्स द अनडिजायर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज हैपन, ठीक है, ये चांस है जो अनएक्सपेक्टेडली होता है। दस टेस सफर्स because of the letter she had written to Angel on the eve of their marriage, never reached him, jo ki usne letter likha usko apni shaadi ke sham ko jo ki usse pahuncha hi nahi time pe, aur by chance it slips beneath the carpet and Angel never finds it, jo ki carpet ke niche slip ho ke chala jata hai aur usko kabhi bhi nahi milta, to ye ek chance by chance hota hai aisa, ठीक है, ये कहने के कुदरती तौर पे शायद उनकी डेस्टिनी थी या उनकी किस्मत में ऐसा था, तो ये बाय चांस कोइंसिडेंस जो होते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली इत्तेफाक से कुछ होता है तो उसको हम चांस कहते हैं। और पेट जो इंसान की विशेष के अगेंस्ट होता है, जो उसने प्लान किया होता है वैसा नहीं होता बल्कि उसके अपोजिट हो जाता है, उसको हम पेट कहते हैं। ह्यूमन फ्रीडम ऑफ एक्शन इट्स लिमिटेशंस, इंसान की एक्शन की जो एक्शंस में वो जो जितनी उसकी फ्रीडम है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। करेक्टर में भी डेस्टिनी इन शेक्सपियर बट इट इज सर्टनली नॉट इन हार्डीज वर्ल्ड। इन हार्डीज व्यू करेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सफरिंग ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, वो करेक्टर को उनकी सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। Inborn instincts determine the actions of a person largely, even if he wishes he cannot act against them, यानी कि एक इंसान की एक्शन जो है वो उसकी फेट डिटर्मिन करती है, और इफ़ ही विशेज ही कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट दैम, जो कुछ वो विश करता है उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाता। Hardy believes in Skopner's view, a person can do, ये एक philosopher था, a person can do what he wills, एक इंसान वो कर सकता है जिसकी वो करना जो वो करना चाहता है, ठीक है, he wills जो उसने determine किया, जो वो इरादा करता है वो कर सकता है, but he cannot will, वो नहीं कर सकेगा what he wills, जो उसकी
कह लो कि जिसने सोचा है, ठीक है, वो करने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। ही हैज ओनली अ वेरी लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्शन, उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन बहुत लिमिटेड है, इसीलिए अ पर्सन कैन डू व्हाट ही विल्स, जो वो डिटर्मिन करता है वो करने की वो कर सकता है, यानी कि कोशिश कर सकता है, बट ही कैन नॉट विल, वैसा नहीं कर सकेगा व्हाट ही विल्स, जो उसने वो जो डिटर्मिन किया है वो करने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकेगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ऑटो कैरेक्टराइजेशन। इसकी मैं PDF फाइल्स आपको सेंड कर दूंगी, जैसे कि मैं पहले टॉपिक्स की करती हूँ और करती आई हूँ। सो इससे रिलेटेड आप इस लेक्चर को अटेंड करें कॉन्शियसली, और जो भी कंफ्यूजन हो आपके माइंड में, जो भी क्वेश्चंस हो मुझसे शेयर करें, मुझसे पूछें और कंसल्ट करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक। ज़रूरी नहीं कि आप इन नोट्स को देख के सिर्फ यही इसी को प्रिपेयर करें, इसके फर्दर इसमें से जो पॉइंट्स निकलते हैं उसको खुद नोट डाउन किया करें अपनी आसानी के लिए फर्दर, और उसके लिहाज से आप प्रिपेयर करें ताकि आपको फेमिलियरिटी हो कि आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। जब आप पेपर देने के लिए रिवाइज करें, इसको रिविजन करें, तो आपके लिए आसानी रहे। तो अपने माइंड में या अपने नोटबुक पे इसके रिलेटेड इसका जब प्रिंट लेते हैं तो इसी के ऊपर आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया करें। जैसे ये पीछे एक मैंने हाईलाइट किया है, इसमें मोस्टली मैं टाइम की कमी की वजह से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट नहीं कर पाई थी। लेट मी शो यू हियर, यस, इम्पैक्ट ऑफ हिज फिलोसफी। तो इसी तरह के जो वर्ड्स हैं, लाइक ही हार्ट इज सक्सेसफुल ओनली इन पेंटिंग सिंपल नेचर्स, ये क्रिटिक्स ने कहा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनकी आगे, जिनके थ्रू एक्सप्लेनेशन है, जिनकी आप समझते हैं कि नॉवल के अंदर कोई परफॉर्मेंस है और इसकी वजह से एक्टर्स पे, सॉरी जो कैरेक्टर्स हैं उन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो उनको हाईलाइट कर लिया करें। उनकी वो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉक्स बना लिया करें उसको हाईलाइट करने के लिए, और उसको नोट डाउन कर लिया करें इलादा से। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं जब आप प्रिंट आउट लेते हो, तो इस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लिया करें या बॉक्स बना दिया करें इसके इधर, ताकि हाईलाइटेड रहे और आपको पता हो कि आपने ये पढ़ा है और इसको हाईलाइट करने का मकसद आपका क्या था। तो पढ़ते वक्त जब, सॉरी, पढ़ते वक्त इनको हाईलाइट कर लिया करें, जब आप रिविजन करेंगे फिर आपको मसला ही नहीं होगा इसमें से कुछ। तो अभी तक के लिए इतना ही इस टॉपिक से रिलेटेड, और फर्दर मोर इससे रिलेटेड ऑलरेडी जो क्लास में डिस्कशन हुई थी वो भी अलग है। अगर आप फर्दर आपको नोट्स चाहिए तो वो मेरी अपनी जो बुक है उसमें भी मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर दूंगी। अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप उनसे पूछा करें, कहा करें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो है मैं खुद भी शेयर कर दिया करूँगी साथ साथ, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे इसके अलावा जो मैं खुद देती हूँ, इसके अलावा जो होंगे मैं शेयर कर दूँगी। सो यस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। आई एम गोइंग टू डिस्कस द थीम्स ऑफ दिस नॉवल एंड द पेसिमिज्म ऑफ हार्डे और हिज व्यूज अबाउट लव एंड मैरिज इन दिस नॉवल। सो those lectures will be given to you through the URL or any other links. So be careful and take care of yourself and of your loved ones. So remember me in your prayers too. So we'll see you in the next lecture, inshallah. See you soon. Till then, Allah Hafiz.